नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है एडवोकेट आईआर सिंह जी, जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध के अंतिम वचन क्या थे। देखिए, गौतम बुद्ध के, मैडम मैं आपको बताऊँ, जब वो सुबोध नाम के व्यक्ति के यहाँ पे अंतिम बार भोजन करते हैं तो उनको बिहार के अंदर एक वो है अपना कुकुर मुक्ता है जिसे खाते हैं, जो अच्छी जगह पैदा हो जाता है वो बढ़िया स्वास्थ्य का होता है, जो जहरीली जगह पैदा हो जाता है उससे मनुष्य जो है उसमें जहर फैल जाता है। तो कुकुर मुक्ता को एक समय, आप ये समझिए कि कुकुर मुक्ता को आम भाषा में जो बोलते हैं हम, उसको उनकी सब्जियां उनको बनाई गई थी। और जो ये चुंद नाम का लोहार था जिसके वहाँ उन्होंने अंतिम भोजन करा था, तो चुंद के यहाँ पर उन्होंने करा था, तो आनंद जब उनके शरीर में जहर फैल गया, पहले मैंने सुभद्र गलती से थोड़ा भूल गया, लेकिन चुंद नाम का लोहार था, तो उसने इतना सम्मान था गौतम बुद्ध के प्रति कि उन्होंने उसको चखा भी नहीं था। और जब उनके शरीर में फैल गया तो आनंद ने कहा इस व्यक्ति को हम पीटेंगे मारेंगे। तो आप देखिए गौतम बुद्ध ने उस समय क्या कहा, उन्होंने कहा आनंद जाओ और डुगडुगी बजाओ और गांव-गांव में जाके कहो कि इस संसार में तीन व्यक्ति श्रेष्ठ थे। पहला वो जननी श्रेष्ठ थी जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ जो है वो श्रेष्ठ थी जिसने मुझे जन्म दिया। दूसरा वो सुजाता ठीक श्रेष्ठ थी जिसकी खीर को खाने से मुझे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। तीसरा ये चुंद नाम का लोहार श्रेष्ठ है जिसके यहाँ मैंने अंतिम भोजन करा है। तो बुद्ध जिस टाइम अपने अंतिम समय में श्याल के दो वृक्षों के बीच में ऐसे लेटे हुए थे जैसे कोई सिंह विश्राम करता है, तो आनंद रोने लगा। तो आनंद से उन्होंने ये कहा कि आनंद मैंने अपने जीवन में कुछ भी छिपा कर कोई रहस्य की बात नहीं रखी, मैंने बिल्कुल हर बात को आपको बताया है, मैंने कोई नहीं रखी। और आपको मैं आनंद बताना चाहता हूँ कि अप दीप भवो उनका अंतिम संदेश था कि आनंद अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के ऊपर निर्भर ना रहो, किसी के चाल पर निर्भर ना रहो, आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा है। कि तथागत को जो ज्ञान था सब आपको बताया है और कोई भी रहस्य वाली बात मेरे पास नहीं है, आनंद अप दीप भवो अपने दीपक स्वयं बनो। तो उन्होंने आनंद को ये बताया, हर इंसान को ये बताया कि किसी के सहारे उधार की ज़िंदगी आप ना जिए, किसी के साथ आप ये ना चलें कि आप जो है आप मतलब कि उनके सहारे आप जियोगे। उन्होंने कहा कि आनंद अप दीपो भवो, आनंद अपने मालिक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो, अपना अंधकार स्वयं दूर करो, किसी व्यक्तियों की वैसाखी बनकर मत चलो, आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा आनंद तुमने नदी को तो पार कर लिया लेकिन आप किनारे पर खड़े हो। तो आनंद उनके वो शिष्य थे जिनको सबसे ज़्यादा लंबे समय में उनको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ था। दूसरा उनको जो ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हुआ था वो मंजूश्री नाम के व्यक्ति को हुआ था जो अर्हत बने थे। और सडन एनलाइटमेंट जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों में है वो सबसे पहले उंगली मार नाम के एक डाकू को प्राप्त हुआ था। तो आनंद को सबसे ज़्यादा लंबे समय में हुआ और आनंद उनके हमेशा परछाई की तरह पीछा करते थे। तो उनका आनंद के लिए, हर मानवता के लिए, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीवित ना रहूं तो मेरे उपदेश है उनके मुताबिक मनुष्य चलें। उन्होंने ये भी कहा था कि विनय पिटक के अंदर जो विनय के नियम हैं वो आप उनमें थोड़ी बहुत वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक आप परिवर्तन कर सकते हो, जैसे बारिश हो रही है छाते का प्रयोग कर सकते हो, पैर में कोई कांटा लगा है तो आप उसमें पैर में जूते पहन सकते हो, ये विनय के नियमों में आते हैं। आप उनके जीवन में देखोगे जो एक सिरोन नाम का राजकुमार जो उनके यहाँ पर दीक्षित हुआ था तो वो नंगे पैर घूमता था और सब वैसे चलते थे, वो गड्ढों में चलता था तो उसके पैर लहू लुहान हो गए। तो वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। तो तथागत बुद्ध ने एक दिन सिरोन को बुलाया और कहा कि सिरोन आप जब बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, राजकुमार हैं, तो आप अपनी वीणा को बजाते थे, अगर वीणा के तार को हम ढीला छोड़ दें तो क्या उससे कोई स्वर निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि तथागत कोई स्वर नहीं निकलेगा और अगर हम उसे बहुत कसते जाएं तो क्या कोई स्वर निकलेगा, वो बोला तार टूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा ना तो हमें कोई ढीला छोड़ना है ना कोई हमें ज़्यादा कसना है, इसलिए मध्यम मार्ग पर चलना है। तो उनका
अंतिम जो संदेश था वो बिल्कुल मध्यम मार्ग पर है, जिसे मध्यम निकाय के नाम से त्रिपिटकों में कहा गया है। इवन त्रिपिटकों का मतलब होता है थ्री बास्केट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के तीन पिटारे। तो जिसमें अभिधम्म पिटक है, सूत पिटक है और विनय पिटक है। उनमें 18 साल के अध्ययन के बाद कोई व्यक्ति इस लायक होता है कि उनके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त बौद्ध धर्म कुछ बोल सके, कुछ बोल सके, वो प्रखंड विद्वान नहीं बनेगा। तो उसमें बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है उनका यही है कि अपने दीपक स्वयं बनो, मध्यम मार्ग पर चलो और मानवता के रास्ते पर चलो। और जो मैंने आपको एक बार बताया था कि बुद्ध धर्म का सार अगर एक सेंटेंस में हम कहना चाहें बुद्ध की शिक्षा का, तो सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।